राजनीतिक विदेश के कारण या देश के कारण या उसके कारण नहीं कह रहा तारण साहब, उस क्षेत्र में आपके विधायक हैं, आप अपने विधायक जी से कहिए, वो वहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, जिन लोगों के साथ इस प्रकार का घटनाक्रम घटा है, हमने 70 लोगों को चिन्हित किया है जिनके साथ इस प्रकार का फ्रॉड हुआ है, मेरी जानकारी के अनुसार 2600 लोगों के साथ इस प्रकार का फ्रॉड हुआ है, वो 2600 लोगों को जैविक खेती के नाम पर वहाँ पर सब्सिडी का खेल चल रहा है। हमारी संस्था एपिडा जहाँ से सब्सिडी के नाम पर इन्होंने ये गड़बड़ घोटाला किया उसकी जांच हम कर रहे हैं, लेकिन स्थानीय स्तर पर इसको आपको कौन से ब्लॉक में कौन पटवारी है कौन आ रहा है। बढ़िया बात आपने कही, मैं रोकूंगा यहाँ पर। तारण जी एक सवाल उठाया तारण जी ने कि क्षेत्र में विधायक कांग्रेस के हैं और तो और बड़े नेता चाहे अरुण यादव जी हों सचिन यादव जी हों, उनमें कृषि मंत्री भी रह चुके हैं अरुण यादव जी, आपके प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, क्या इनकी जिम्मेदारी कोई नहीं बनती कि खरगोन जिले में जब ये घटना हो रही है आदिवासी ब्लॉक में हो रही है किसानों के साथ हो रही है, बीजेपी ही मामले को उठा रही है, बीजेपी ही कार्रवाई करा रही है, कांग्रेस को नहीं करना चाहिए? नहीं, कांग्रेस को करना चाहिए और कांग्रेस करेगी इस मामले में, और मैंने अभी बोला ना चेतन जी से मैं इस मामले में ले लूँगा और जिन जो भी वहाँ जवाबदार आदमी होगा जो जिसकी जहाँ जवाबदारी बनती है उन तक वो सुलभ करवाऊंगा और उनसे निवेदन भी करूँगा और बार बार उनसे निवेदन करूँगा कि इस मामले को उठाएं, और जहाँ तक होगा मैं हमारे नेता कमलनाथ जी से ही बोलूँगा, दिग्विजय सिंह जी से बोलूँगा कि इस मामले में थोड़े संज्ञान लें। आपने बहुत बढ़िया एक बात उठाई थी कि कमलनाथ जी की जब सरकार थी तो जब लोन माफ़ी हुई तो पता चला कि लोन के नाम पर घोटाला भी हुआ है सहकारी बैंकों में, तो मैं यहाँ ये भी पूछना चाहूँगा आपसे, जब वो घोटाला संज्ञान में आया तब जनवरी का महीना था और आपने लगभग 1.25 साल तक शासन किया, तो क्या उन घोटालेबाजों के खिलाफ FIR कांग्रेस की तत्कालीन कमलनाथ सरकार ने कराई? अगर उस समय उनकी रिपोर्ट आ गई होगी प्रकाश जी, निश्चित रूप से कराई होगी, और इस बारे में मैं जानकारी नहीं कराई मेरी जानकारी में नहीं है, बता दूं जानकारी अगर नहीं है तो लेकिन क्या है कि सरकार थोड़ा सा सुनिए तो सही। देखिए इसमें पॉलिटिक्स की बात नहीं है, जहां आपके लोग बैकफुट पर हैं वो दिख रहे हैं, इनकी तरफ से अगर कहीं गलती है तो ये तो उठा भी रहे हैं, आप भी उठा रहे हैं, अच्छी बात है, पर जो चीज़ आपने बताई है उस पर मैं इसलिए आपको और जनता को और बैंक अधिकारियों के संज्ञान में ये चीज़ें होनी चाहिए कि भाई जब 1500 करोड़ का घोटाला तो सिर्फ इसमें हो गया कि लोन बैठा ही नहीं और लोन बैठ भी गया, ये किसने उठाया मामला? डॉक्टर गोविंद सिंह जो वर्तमान में कांग्रेस के विधायक हैं, पूर्व में सहकारिता मंत्री थे, ठीक बात है कि नहीं? उन्होंने लिखा भी कि साहब इसमें कार्रवाई होनी चाहिए और इन सबको जेल भेजो, कहा था। परंतु होता क्या है कि जहाँ भी ये ऐसे करोड़ों रुपए घोटाले होते हैं तो वहाँ बैंक के जो बड़े अफसर हैं वो बचाव में लग जाते हैं, जैसे ये हुआ पंजाब नेशनल बैंक का, कि अब जब पता चल रहा है कि साहब ये 2-3 करोड़ का घोटाला हो गया, अब 10 करोड़ का हो गया, 2600 किसानों का हो गया या 70 किसानों का हो गया, जितनों का भी हो गया, 1 रुपये का भी हुआ तो घोटाला है, तो जब अधिकारी कार्रवाई नहीं कर रहा है तो चलिए आप सत्ता में थे नहीं कर पाए, अब तो विपक्ष में है, तो अपने नेता को बोलिए कि भैया भगवानपुरा ब्लॉक में कहाँ हो निकल आओ, सबके सब अपन मिल के चलें, जनता की बात उठाएं। जनता की बात नहीं उठाएंगे जनता क्यों आपको सच्चा प्रतिनिधि समझेगी? ऐसा है प्रकाश जी, सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की। अरे वो तो सुनिए सुनिए, आज अगर चेतन जी आपका प्रतिनिधि है कि नहीं? हमारा प्रतिनिधि है, हम अपने लेवल पे सब क्या सब सो रहे हैं, लेकिन एक बात बताइए आप, कमलनाथ अगर आज हमारी सरकार होती, सुनिए आप सुन ली, तुम अगर अगर होता मैं होता भैया, अरे क्या है भाई, आप ही सब बोलोगे हमें, अरे आप ही सब बोलोगे तो हमें काहे के लिए बुलाया? चलिए बताइए ना तो फिर, जब जब अगर हमारी सरकार आज होती तो निश्चित रूप से वो सब चेहरे जो इस इन कामों में लिप्त थे वो सब सीखों के अंदर होते, लेकिन भारतीय सुनिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की पिछले 15 सालों की सरकारों में जिस तरह के ये मामले सामने आए, मैं ये नहीं बोला मैं भारतीय जनता पार्टी को दोषी नहीं दूंगा, दोषी उन अधिकारी कर्मचारियों को दूंगा जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के सरकार में फलीभूत हुए और आज फिर वो सब इन सब चक्रों में लगे निश्चित रूप से, और आज सरकार भारतीय जनता पार्टी की ऐसे लोगों पर जो मामले उन्हें दिखाने चाहिए सरकार उनकी उन्हें दिखाने चाहिए और उन पर कार्रवाई करने चाहिए। मेरे सवाल का जवाब नहीं आ रहा है, मैं आपसे बार बार जो कह रहा हूँ वो ये है कि वहाँ इतने बड़े बड़े दिग्गज हैं,
खरगोन और खंडवा में तो जिसको कहें यादव जी के, मैंने अभी बोला ना कि मैं चेतन जी से वो जो उनको पास आया उसकी एक कॉपी ले लूंगा और जो भी संबंधित व्यक्ति होगा उसको पहुंचाकर उन पर कार्रवाई करने की कोशिश करवाऊंगा। आनंद जी अब आगे, अभी प्रकाश जी ने बहुत अच्छा विषय लिया कि 1500 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ था जो कमलनाथ जी की सरकार में जाँच के लिए गोविंद सिंह जी ने सहकारिता मंत्री के नाते नोटशीट लिखी थी, ये अखबारों में भी आया था। लेकिन प्रकाश जी उस नोट शीट पर एक बार कार्रवाई नहीं हुई, दूसरी बार माननीय गोविंद सिंह जी ने लिखा है और तीसरी बार गोविंद सिंह जी ने चैनल पर कहा है कि मैं अपनी सरकार में ही इन माफियाओं पर कार्रवाई करने पर विवश हूं, लेकिन मेरी कोई सुनने को तैयार नहीं है। आखिर इतना क्या था आनंद जी? ये मैं राजनीतिक दृष्टि से नहीं कह रहा, ये आपके मंत्री की ये पीड़ा थी कि सरकार किसी की भी हो, इन भ्रष्टों को बचाने का काम सरकार में बैठे हुए डेमोक्रेट डेमोक्रेसी के लोग क्यों करते, मुझे आज तक ये समझ में नहीं आ रहा है। अगर चोटाई की है तो इनको सजा दो ना, और जिस दिन नेता फंस जाएगा ये अधिकारी एक नहीं छोड़ेंगे आपको। बिल्कुल सही तारण जी, बात यही उठ रही है कि नेताओं पर तो तुरंत आरोप लग जाते हैं, कार्रवाई भी हो जाती है, FIR भी हो जाती है। अगर ये पंजाब नेशनल बैंक का घोटाला दिख रहा है, आपके कार्यालय से 2 किलोमीटर दूर है इनका मुख्यालय, और ये प्रवीण कुमार जो यहाँ के अंचल के प्रमुख हैं, आपको नहीं लगता कि इनसे जवाबदेही आपको तय करानी चाहिए, इनके खिलाफ आपको प्रदर्शन करना चाहिए? मैंने बिल्कुल करनी चाहिए, लेकिन चेतन भाई ने एक बहुत अच्छी बात बोली है माफिया की। आज माफिया किस तरह से सिर उठा के खड़ा है, पिछले 15 सालों में भी यही हाल था, हमने दबाने की कोशिश करी लेकिन सरकार चली गई। अब आज भारतीय जनता पार्टी की फिर सरकार आ गई, फिर माफिया का जो तांडव चालू है आप देख रहे हैं प्रतिदिन। विधायक उन्होंने बड़ी साफ गोई से एक बात कह दी, आरोप नहीं लगा रहा आगे बढ़ा रहा हूँ, बढ़ा नहीं रहे आप खुदा कर रहे हैं। अब अभी जो बात उठ रही है वो ये है कि उनने ये कहा इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए थी। अगर आपके पूर्व मंत्री ने अभी ये चीज लिखी कि भाई इतने इतने लोन जो गलत ढंग से बांटे गए, तो FIR उसी समय दर्ज हो जानी चाहिए थी, उनको जेल भेज देना चाहिए था, आपने नहीं भेजा, चलिए कोई बात नहीं। अब तो आप विपक्ष में है ना, चलिए एक बात है तो उठाएंगे तो सही कि नहीं उठाएंगे कि अब फिर आप इनकी सरकार है इनकी सरकार करेंगे। सत्ता पक्ष आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी, ये तो सबको पता है ना, आप विपक्ष में आप काय के लिए बैठे, हम तो करेंगे लेकिन इनका क्या फर्ज है जो सत्ता में बैठे, तो आप संज्ञान में तो कार्रवाई करें, क्यों नहीं करते? और मैं तो कहता हूँ कार्रवाई में जो भी आदमी हो, कितना ही प्रभावशाली हो, कितना ही बलशाली हो, उस पर कार्रवाई करनी चाहिए, वो किसी पार्टी का हो। बहुत अच्छी बात आपने कही है। अब आप सुन लीजिए आगे का, जिसको कहते हैं ऑर्गेनिक कंपनी की बात हो रही है उसमें कांग्रेस का एक बड़ा नेता इन्वॉल्व। आप सुन तो लीजिए, अरे पहले अभी सुना है नहीं आपने, उससे पहले ही बोलने लगता है। उसमें कांग्रेस का बड़ा नेता इन्वॉल्व है और उसको ये शिकायतें किसानों ने खुद जनप्रतिनिधि होने के नाते भी पर्सनल तौर पर भी ले जा कर दी, पर किसी में भी कार्रवाई नहीं हुई। इसमें आपको क्या लगता है, ये भूमिका सही थी? अब मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, अभी नाम लूँगा तो बहुत बड़ा नेता है, आपकी भी थोड़ी सी वो हो जाएगी, तो आप मुझे थोड़ा सा ये बताएं कि क्या जनप्रतिनिधियों को उस समय देखना नहीं चाहिए कि भाई किसान लुट रहे हैं तो हम एक्शन लें इस पर? नहीं, देखिए जनप्रतिनिधि का काम ही यही होता है कि जो भी हमारे क्षेत्र का व्यक्ति है उसके साथ कोई ऐसा काम नहीं हो जो उसके 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 अपन ये बोले ठेठ भाषा में कि उसके पेट के ऊपर कोई। बिल्कुल, और पंजाब नेशनल बैंक का इशू आया, इसमें तो कोई आपकी पार्टी का नेता जिसको कहें अधिकारी है नहीं है, तो फिर एक्शन लेने में, चलिए मान लीजिए जनप्रतिनिधि छूट गए तो जिले के वहाँ के अध्यक्ष हैं, ब्लॉक के अध्यक्ष होंगे कि नहीं, कांग्रेस के तो होंगे प्रकाश जी, और उनको सुनिए, उन भाई साहबों को शिकायत भी दी किसानों ने, ग्रामीण वाले को अलग दी, शहर वाले को अलग दी, सब ने लेके उसको रख लिया। संबंधित जो बैंक का वहाँ का जो मैनेजर है खरगोन ब्रांच का, जब सब किसान इकट्ठा हो गए पहुँचे 70 लोग, तो वो बैंक की शाखा छोड़ के भाग गया। तो भैया इसके लिए जवाबदार तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, क्यों नहीं करते कार्रवाई? अरे जो भी अधिकारी हो, हम तो कह रहे कितना, मैंने अभी आपसे बोला कितना ही बड़ा आदमी हो, किसी भी पार्टी का हो, मैं कोई पार्टी का नाम नहीं ले रहा, उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए ना, और अधिकारी अगर उन्हें मदद करना तो उस अधिकारी पे कार्रवाई होनी चाहिए, क्यों नहीं करते भाई? जनता का पैसा जनता के लिए जनता के द्वारा है, उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, वो कितनी बार, लेकिन आज तो अंधेरी अंधेर है, देर तो है नहीं है। अभी अब मुझे ये भी बताइए कि चूंकि आपके संज्ञान में आ गया है, हम कुछ चीज़ें आपको बता इसलिए नहीं रहे हैं कि आपके भी एक दो नेता इन्वॉल्व हैं तो वो अच्छा नहीं रहेगा। सवाल ये है कि किसानों की बात कर रहे हैं आप,
और किसानों की बात आप कर रहे हैं तो कम से कम उन्हें न्याय दिलवा दें, समय पे दिलवा दें। ये ज़रूरत है कि इतनी संख्या में किसान है, इतनी संख्या में अगर गरीब जनता है, तो उसके लिए कमलनाथ जी को संज्ञान ले लेना चाहिए मामले का। देखिए प्रकाश जी, आपने इतनी दया करी, आपका धन्यवाद। मैं तो चाहता हूँ कि आप उनके नाम और हमें दे दें, लिस्ट विस्ट दे दें, तो हम उन पर कार्रवाई करने का मन बनाए कि भाई हमें करना है ऐसे लोगों को, क्या कार्रवाई इनको कर सकती, पार्टी वाइज पे क्या कर सकते हैं, और आप हमें सुलभ कराइए। बहुत बढ़िया बात आपने कही चेतन जी। जिस तरीके से अभी सारण जी ने बड़ी अच्छी बेबाकी से कह दिया कि हाँ, अगर उनको लिस्ट मिलती है तो वो कार्रवाई के लिए मांग करेंगे। ठीक है, कांग्रेस के भी नेता हो सकते हैं, बीजेपी के भी हो सकते हैं, और भी लोग हो सकते हैं जिन्होंने अप्रत्यक्ष तौर पर सपोर्ट किया हो, पर जो अधिकारी बैंक के दिख रहे हैं प्रथम दृष्टया, जिन्होंने बिना परीक्षण किए, क्योंकि एक गरीब आदमी जिसको कहें 10,000 रुपये जो पीएम स्वनिधि योजना शुरू की है स्ट्रीट वेंडर्स के लिए, उसमें भी ये पंजाब नेशनल बैंक हो या बाकी के, आप देखिए कैनरा या एक दो और बैंक हैं, वो सबसे पीछे हैं, पर इसके बाद भी जिसको कहें बड़े लोगों को लाखों करोड़ों बांट रहे हैं, उनको 10,000 देने में भी सरकार के कहने के बाद भी, सीएम के कहने के बाद भी, चीफ सेक्रेटरी कहने के बाद भी नहीं मिलता। देखिए प्रकाश जी, स्ट्रीट वेंडर योजना जो है, सच बात है, माननीय मुख्यमंत्री जी की नाराजगी व्यक्त करने के बाद चीफ सेक्रेटरी ने भी इन बैंक के लोगों की बैठक बुलाई, लेकिन उसके बाद भी अपेक्षित परिणाम नहीं आए। ये किस छिपा हुआ नहीं है, गरीब जनता का पैसा, आम आदमी का पैसा। अभी आपने एक उदाहरण दिया ना कि 3 से 6 करोड़ रुपए की उसकी सिक्योरिटी नहीं थी, 30 करोड़ का लोन दे दिया, तो ये खुला भ्रष्टाचार है। और सच कहता हूँ, ऐसे लोगों को तो पहले जेल में डालो, बेल पे बाद में बात करेंगे जब सारी जांच हो जाए, और अगर बेदाग लगने की स्थिति हो तो ही इनका चालान पुटअप करें, नहीं तो इनको जेल में सड़ा के रखना चाहिए। क्योंकि गरीब जनता का पैसा भी वो अपने सपनों को एक बुनियाद के रूप में स्थापित करके जमा करता है, तब जा करके आपके बैंक में कोई कलेक्शन आता है। मेरे मित्र कह रहे हैं कि हमको सूची दे दें, मैं कुछ सूची आपको दे दूंगा, लेकिन तारण साहब मैं फिर से कहूंगा, बिना किसी राजनीति के, आप आपके क्षेत्र के वहां विधायक हैं, 8 में से 7 सीटों पर कांग्रेस के एमएलए हैं, विधानसभा भी चल रही है, इसके आगे मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन सवाल ये है कि जवाबदारी जिम्मेदारी के साथ सरकार के समक्ष ये सारी बातें, केवल हो हल्ले से कुछ नहीं होगा, हो हल्ले से कुछ काम होता भी नहीं है। मैंने कहा ना, मैं जहाँ पर बैठा हूँ, मेरे यहाँ से जितनी भी सब्सिडी इनको जारी की गई है, हम इसकी जांच कर रहे हैं, और इसकी जांच विद इन 1 वीक, हमारे ऐसा नहीं है 1 महीने 2 महीने 6 महीने, विद इन 1 वीक में जांच करके दूध का दूध पानी का पानी, और फिर आप अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं जवाबदारी के साथ जांच की रिपोर्ट भी आपको दे दूंगा कि हमारे यहाँ ये पाएगा और हमने ये उठा करके कार्रवाई की। आप विपक्ष में हो, विपक्ष में ईमानदारी से कम मैं सच कहता हूँ, इतने गरीब किसान है मेरे पास, उनके कागज हैं, 1 एकड़ 1.5 एकड़ 2 एकड़ 2.5 एकड़, अरे इनके वर्तमान खत्म हो जाएगा, भविष्य तो कुछ बचेगा ही नहीं, वर्तमान भी जा रहा है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि कम से कम उन गरीबों के जो बची खुची है दौलत, उसको बचाने के लिए एक मजबूत विपक्ष की तरह लड़िए, ये मान करके लड़िए कि मेरे अपने घर के किसी व्यक्ति का विशेष प्रकरण है, वो बहुत दुआएं आपको देगा। मैं इसमें नहीं जाना चाहता कि किसने क्या किया किसने नहीं किया, लेकिन प्रकाश जी मैं आपकी उस बात से सहमत हूँ कि इस सारे स्कैंडल में गिरोह की तरह अधिकारी, बड़े नेता, माफियाओं की तरह इस सारे एपिसोड में सम्मिलित हैं, और इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि छोटे से लोन के लिए 10 बार चप्पल घिस जाती है, और जिस आदिवासी को लिखना पढ़ना नहीं आता, अंगूठा दिखा करके आप करोड़ों रुपए देते, तो स्वतः ही ये सारी कहानी कुछ ना कुछ तो कहती है। बहुत बढ़िया बात आपने कही है, और वाकई ऐसे कम ही नेता हैं जो इतनी ईमानदारी से, इतनी बेबाकी से उन मुद्दों को उठा पाएं जो जनता से जुड़े हुए हैं। अब यहाँ राज्य की सरकार हो, केंद्र की सरकार हो, उनको जब ये शिकायतें मिलेंगी तो कार्रवाई तो होगी, और बैंक के जो उच्च स्तर का प्रबंधन है, जो हेडक्वार्टर है, उसको भी इस बात पर देखना चाहिए कि यहाँ जो अधिकारी बैठे थे वो कहीं इसमें इन्वॉल्व तो नहीं है, अन्यथा उन्होंने उसी समय ये कार्रवाई क्यों नहीं की, और अब जबकि पता चला तब क्यों नहीं कार्रवाई की। अभी भी पूरे मामले को अगर वो छुपा रहे हैं तो उनकी भूमिका भी कहीं ना कहीं संदिग्ध है। न्यूज़ ऑब्जर्वर के खास कार्यक्रम विशेष में इतना ही, लेकिन यहाँ बेबाक खबरों का दौर निरंतर जारी रहेगा। आप देखते रहिए न्यूज़ ऑब्जर्वर, न्यूज़ ऑब्जर्वर।